नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तु शास्त्री डॉक्टर सुमित राघवाल खास आज आपको बताने आने आई हूँ मैं कि आज छठ पूजा है। तो छठ पूजा में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सबसे विशेष जो लोग व्रत नहीं कर रहे या पहले करते थे और अभी नहीं कर रहे, उन सबके लिए खास एक बात बोलना चाहूँगी। आप क्या कर सकते हैं, खास कैसे करें सूर्य देव को प्रसन्न, कैसे करें कात्यायनी माता को प्रसन्न? तो आपके लिए सबसे सरल एक उपाय है, सूरज भगवान को सुबह शाम जल चढ़ाएं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। नारियल जरूर चढ़ाएं क्योंकि नारियल में तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमारे धर्म में भी बोला जाता है कि नारियल हर हम पूजा त्यौहार तीज प्रोग्राम फंक्शन में चढ़ाते हैं। तो नारियल जरूर चढ़ाएं, लाल सिंदूर चढ़ाएं और जितनी भी चीज़ें सूप में रख के चढ़ाई जाती है वो सब जरूर चढ़ाएं। घर में ठेकवे का प्रसाद बनाएं, गरीबों में ज़रूर बांटें। अगर आप व्रत नहीं करते तो किसी व्रती से आपके लिए व्रत करने के लिए कहें, आप अपना सूप उनको दे दें, सामग्री उनको दे दें, उसे खर्चे उनको दे दें और जब वो घाट पर जाएं उनकी हेल्प करें। और जब वो लास्ट सुबह भगवान को, सूर्य भगवान जब अर्घ देकर बाहर निकले तो उनके चरण स्पर्श जरूर करें। मन को शुद्ध रखें, मन कर्म वचन से शुद्धता का त्यौहार है ये। घर में जोर से भी बात न करें, चिल्ला चिल्ली न करें। जिनके घर में व्रत हो रहा है उन सबके खास कोशिश करें कि आप नमक या फिर कोई भी नॉन वेज इन जाती चीज़ों का या प्याज लहसुन का सेवन ना करें। ये दिन खास विशेष इसलिए क्योंकि इसी के दिन राम राज्य की स्थापना हुई थी। राम जी और सीता जी ने मिलकर आज ही के दिन पूजा किया था। और कात्यायनी देवी की बात करें तो ये वही देवी है जो छठे दिन जो बच्चे के जन्म होने के बाद जिन देवी की हम पूजा करते हैं वो ये कात्यायनी देवी है। तो अगर हम अपने बच्चे की सुरक्षा चाहते हैं, उनकी मंगल कामना चाहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि इस दिन अगर व्रत ना भी करें, क्योंकि व्रत बहुत कठिन है, हर कोई इसे नहीं कर सकता, तो भी सूर्य की उपासना करें, कात्यायनी देवी की आराधना करें। भगवान आप सबका मंगल करें। छठ पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।